गाइस अभी हम लोग चलते चलते आ गए हैं गुप्ता ब्रदर्स स्वीट शॉप पे, जो शंभुनाथ पंडित स्ट्रीट, जो शंभुनाथ पंडित स्ट्रीट पे है। और ये एल्गिन रोड के जो गोल मंदिर है उसके ठीक अपोजिट है। ये दुकान वैसे 100 साल पुरानी दुकान है और यहाँ पे स्वीट्स की काफ़ी सारी वैरायटी है। और अगर मैं कोलकाता की बात करता हूँ तो कोलकाता सबसे ज़्यादा फेमस है अपने स्वीट्स के लिए। स्वीट्स में भी यहाँ का रसगुल्ला और संदेश सबसे ज़्यादा फेमस है, और उसी चीज़ पे यहाँ पे भी काम किया जाता है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी है स्वीट्स की, और अकेले संदेश में ही काफ़ी सारी वैरायटीज़ है। तो यहाँ पे आपको मैंगो संदेश मिल जाएगा, आपको स्ट्रॉबेरी संदेश मिलेगा, आपको तुलसी संदेश मिलेगा, आपको जैगरी संदेश मिलेगा। यूजुअली जो भी यहाँ पे सीज़न होता है उस सीज़न के हिसाब से यहाँ पे संदेश बनाया जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक मिठाई की दुकान नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल मिठाई की दुकान है जहाँ पे स्वीट्स के साथ अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ एक्सपेरिमेंट्स को आज हम लोग इस वीडियो में ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ मेरे पास है जैगरी संदेश, जहाँ पे एक अलग सा वैरायटी है जिसमें ये एक छोटे से कप के अंदर है, एंड उसके अलावा एक है जिसको ब्रेक करने के बाद जैगरी अलग से निकलती है। तो चलिए एक बार इसको ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि कितना सारा इसमें जैगरी निकलती है। तो यू कैन सी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जैगरी इसके अंदर दिया हुआ है, एंड थोड़ा सा इसका एक हाफ बाइट भी लेता हूँ। अगर आप कोलकाता आए और आपने अगर संदेश ट्राई नहीं किया तो आप क्या खा कोलकाता है। तो चलिए हम भी थोड़ा सा वर्थ निकालते हैं कोलकाता की। एंड संदेश एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मेरे साथ हैं सर, तो सर की ही शॉप है। सर से भी हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली इस शॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें फेमस हैं और यूजुअली लोग यहाँ सबसे ज़्यादा क्या खरीदते हैं। यूजुअली ज़्यादा खरीदते हैं जो लोग अभी मतलब सेम डे यूज करते हैं, संदेश आवाज हो लेते हैं, गुलाब पत्ती संदेश देते हैं, मैंगो संदेश देते हैं, भूख का संदेश देते हैं, और जो लोग आउट ऑफ स्टेशन लेके जाते हैं वो लोग करा पक संदेश लेते हैं, सुनका भी लेते हैं, काजू बर्फी लेते हैं, बादाम बर्फी लेते हैं, पेड़ा लेते हैं, लड्डू लेते हैं, गुलाब जामुन लेते हैं। ये सब आपको 4 से 5 दिन तक स्टे करेगा। अगर कल किसी को चाहिए तो दादी के लिए तो ड्राई फ्रूट्स का आइटम है, हम लोग काफ़ी सारा है, बादाम का आइटम है, काजू का आइटम है, पिस्ता का आइटम है, ये सब लेके जाते हैं। सिर्फ 20 दिन तक ये सब तक रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हर एक के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप सेम डे खाना चाहते हैं तो आप फ्रेश संदेश लीजिए, अगर आप 2-4 दिन चाहते हैं तो आपको अलग वैरायटी मिलेगी। आपको अलग वैरायटी मिलेगी। और आप ज़्यादा लंबा रिटेन करना चाहते हैं कि आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो वहाँ भी आप अपने साथ कोलकाता को लेके जा सकते हैं, और कोलकाता को आप अपने साथ स्वीट्स की मेमोरी में लेके जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको पिस्ताचूज़ और काजू और अलग अलग ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनके साथ का आपको यहाँ पे संदेश मिल जाएगा। तो यहाँ पे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो है ही है। तो आप भी एक बार यहाँ पे आए, खुद से खाइए, ट्राई कीजिए, और अपने साथ थोड़ी सी मेमोरीज कोलकाता की साथ में लेके जाइए। तो गाइस जागरी वाला संदेश तो काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा फ्यूजन वाला ट्राई करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है मैंगो संदेश और स्ट्रॉबेरी संदेश। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉबेरी संदेश सिर्फ कहने की नहीं है, देखने की भी है। यहाँ पे लेजिट स्ट्रॉबेरी ऊपर दिख रहा है। और ये एक चीज़ मुझे दिख रही है कि कोलकाता के अंदर प्रोडक्ट में आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है। यूजुअली जहाँ पे भी हम लोग खाते हैं तो वहाँ पे आपको खाना तो दिखेगा, फ्लेवर्स आपको सुनाई देंगे, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, पीछे भी केसर वाली चाय पी थी तो केसर दिखा था, और यहाँ पे जब स्ट्रॉबेरी वाला संदेश खा रहा हूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी दिख रही है, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ द कोलकाता फूड, जो मुझे एक्चुअली में अच्छा लग रहा है। काफ़ी सॉफ्ट है, एंड स्ट्रॉबेरी का टेस्ट अच्छे से यहाँ पे आ रहा है, तो दैट इज़ गुड। चलिए बात मैंगो वाला ट्राई करते हैं। अच्छा, मैंगो वाले में भी बीच में मैंगो की थिक सी लेयर है, जो पेस्ट होता है मैंगो को पेस्ट करके इसके बीच में डाला हुआ है। तो अगेन यहाँ पे फिर से वो जो फ्रूट है वो लेजिट स्वीट के अंदर है। तो चलिए एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। और आपको गर्मियों में आम पसंद है, आपको गर्मियाँ अच्छी लगती है, तो मेरे हिसाब से गर्मी के सीज़न में आप ये मैंगो संदेश ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप जो भी सीज़न में आओगे, जिस भी टाइप के आप सीज़न में आओगे कोलकाता में, आपको उस हिसाब का सीजनल संदेश मिलेगा इस शॉप पे। तो अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब चाय भी पी ली और नाश्ता भी कर लिया, अब क्योंकि एक फूड वॉक है तो चलिए हम लोग चलना शुरू करते हैं, और चलते चलते थोड़ा सा कोलकाता देखते हैं।
और साथ में आपको भी दिखाते हैं कि अगर आप पार्क स्ट्रीट एरिया में आएंगे तो आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे आपको किताब मिलेगा सब पे 50% डिस्काउंट है, जो भी एमआरपी है एमआरपी पे 50% डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे नाम एंथनी रॉबिन्स लिखा हुआ है लेकिन इसका नाम टोनी रॉबिन्स है। और उसके अलावा अगर आप अली बाबा की किताब पढ़ेंगे तो भी आधा लगेगा, अगर आप जय शेट्टी की किताब पढ़ेंगे तो भी हाफ प्राइस लगेगा। तो जो भी यहाँ पे बुक अवेलेबल है हर एक पे आपको सिर्फ आधे पैसे ही देने पड़ेंगे। जैसे आप क्लासिक से ओल्ड लुकिंग लोकेशन पे यहाँ पे पहुँचेंगे न्यू मार्केट में, तो यहीं पे आपको दिखेगा